नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूँ आपके साथ शैलेंद्र कुमार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के MLC रामेश्वर महतो जी है। रामेश्वर महतो जी से जानेंगे, इन्होंने आरोप जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा पर लगाया कि वो पार्टी में हमको नज़रअंदाज करते हैं। देखिए, मेरे जैसा बहुत लोगों को नज़रअंदाज करते हैं, जो कि संगठन के लिए ठीक नहीं है। जब माननीय नेता मुख्यमंत्री जी सभी को सम्मान देते हैं, हमारे पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ दादा सभी को सम्मान देते हैं, सभी को साथ लेके चलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, राज्यसभा सांसद सब पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष हमारे आदरणीय वशिष्ठ दादा के यहाँ 18 साल से लेके और 80 साल के लोगों का जमावड़ा उनके यहाँ होता है। किस तरह से वो संगठन को चलाते हैं, सीखना चाहिए प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी को। अपने बड़ों से सीखते हैं हम उन्हीं के संगठन में पहली बार प्रदेश में संगठन सचिव बने, दादा के संगठन में हमने काम किया है। तो जिस तरह से अभी ये लग कर रहे हैं, ठीक नहीं है। इसको छोड़ दो, उसको हटा दो, उसको निकाल दो, ये संगठन के लिए ठीक नहीं है, मेरा ऐसा कहना है। मुख्यमंत्री तो देश के नेताओं को इकट्ठा कर रहे हैं और आपके पार्टी के ही प्रदेश अध्यक्ष नज़रअंदाज। मैं वही कहना चाहता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत है कि सब लोग एकजुट होकर मुख्यमंत्री जी को मजबूत करने का काम करें, ना कि गुटबाजी में फंसे। मैं यही कहने कह रहा था। उस वहाँ समाज की बैठक हुई थी मुख्यमंत्री आवास पर, आपको नहीं बुलाया गया। उसी बात पर तो आप आए हैं, उसी पर तो चर्चा हो रही है। ये नहीं होना चाहिए, मैं यही कह रहा हूँ, ये नहीं करना चाहिए। इससे किसी का भला नहीं हो रहा, न समाज का न पार्टी का। और प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में समाज की बैठक हुई, इकलौता MLC में जदयू से हूँ, मुझे नहीं बुलाने जाना या मुझे नज़रअंदाज करना, ये ठीक नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अगर उनको लगता है कि ठीक है तो अच्छा करें। इस बात को लेकर शिकायत राष्ट्रीय अध्यक्ष से किए हैं? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से समय लूँगा, मिल के बात रखूँगा उनके पास। ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जदयू MLC रामेश्वर महतो। तमाम सवालों का जवाब दिया, तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट बार से शैलेंद्र कुमार। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची।